डॉक्टर माधवी त्रिपाठी, आई एम ए लेक्चरर फ्रॉम ग्वालियर। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा वेलकम हुआ मुझे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और डाइट चार्ट भी बहुत अच्छा था। आते ही साथ हमको फ्रूट से नारियल मिल्क दिया गया और उसके बाद में हमको रिलैक्स करने को दिया। फिर उसके बाद उन्होंने हमको फ्रूट्स खाने के लिए दिए। मॉर्निंग में फिर हमको रात के समय एनिमा देकर दिया गया। फिर हम एनिमा के बाद में फिर हमारा खाना खाने के लिए डिनर मिला। फिर मॉर्निंग में भी फिर से हमको पट्टी रखाई गई। पट्टी का भी एक जो सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था। फिर पट्टी रखने के बाद हमको ने एनिमा लेकर फिर हम यहाँ पर योगा क्लास अटेंड की है। जूस दिया गया है पीने के लिए जो कि बहुत अच्छा है। मेरे को थोड़ी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और मेरे को एसिडिटी की समस्या होती है, पेट भी फूलता है। तो मैं ये अपेक्षा करूँगी कि मैं इस संस्था से ये प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी सॉल्व करके जाऊं और मेरा माइंड भी कूल होए साथ में, ये भी मैं चाहती हूँ। बहुत उम्दा व्यवस्थाएं यहाँ पर हमने देखने को मिली। इसके अतिरिक्त जो खाने की जो व्यवस्था है वो भी वो सुबह से शाम तक बहुत अच्छी रहती है। मॉर्निंग में हमको जब हम योगा कर लेते हैं, योगा क्लास शुरू होती है 6 बजे, तो उस समय हमको योगा के बाद जूस दिया जाता है पेठे का और 2-3 चीज़ें उनकी मिली होती हैं मिक्स, उस पेठे का जूस देते हैं। फिर हमारे को स्नान बात वगैरह दिया जाता है, जो भी जिसका डिसाइड रहता है, किसी को स्टीम देनी है या किसी की मसाज होनी है, वो सब देने के बाद हमको तुरंत लेक्चर रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर कि बहुत अच्छा लेक्चर होता है, जहाँ हम अपने शरीर को प्रकृति से जोड़ते हुए और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए और हम अपना जो प्रभु से ध्यान केंद्रित करने का जो यहाँ का जो तरीका है चिकित्सा करने का, वो बहुत ही अच्छा है। तन तो अच्छा होता ही है, साथ में मन भी बहुत शुद्ध होता है और मन को भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो खाने को जो दिया जाता है शाम को मिलेट्स का, और आफ्टरनून में कभी सलाद दी जाती है, मिक्स सलाद भी देते हैं, अंकुरित दाल वगैरह और चटनी, सभी बहुत उनकी क्वालिटी और बहुत ही पौष्टिकता से भरपूर होते हैं सब चीज़। और रात को हमें डिनर दिया जाता है जिसमें कि मिलेट्स होते हैं, चटनी या सब्जियां होती हैं, या जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अलग तरह की, उनको लिक्विड के रूप में रखा जाता है, तो उनको नारियल पानी या जूस भी दिया जाता है। और जो संस्था के बारे में तो मैं ये कहूँगी कि जो उनके काम करने का तरीका है वो सभी की भावना सेवा प्रधान है। वहाँ पर सेवा ही सेवा दिखाई देती है, कोई इस उससे नहीं करता कि उसको पैसे मिल रहे हैं। यहाँ पर तो सब कुछ निःशुल्क है, कोई पैसे की तो बात ही नहीं उठती है। तो इसका मैं शायद मुँह से अपने शब्दों से वर्णन भी नहीं कर सकती जो चीज़ मुझको यहाँ पर एहसास हुई है। शायद हम इतना जो व्यवस्थाएं यहाँ पर इन्होंने हमें दी हैं वो व्यवस्थाएं तो हम पैसे देकर या शुल्क देकर भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और मैं सभी संस्थान के सभी सदस्यों को, संगठन के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमको इतना अटेंशन दिया और हमारा इतना ध्यान रखा। राधे राधे।